ऑल इज वेल, ऐसा हर बात में ऑल इज वेल बोलने का रहता है, तो सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज वेल, बी पॉजिटिव एंड थिंक राइट। These words are easier said than done. Yet here's Namrata, MSF's community health worker, who embodies a positive spirit while sensitizing the community on TB health practices. हम पेशेंट को उनके जो डर है उसी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनसे ही हम बात करते हैं, उनसे ही निकलवाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वही हमें रास्ता बताते हैं। कोई एक पेशेंट है जिसने मुझे बोला कि आप बोलते हो कि ये एयर बैक्टीरिया है, तो फिर हम उनसे ही पूछते हैं, आप बताओ एयर बैक्टीरिया है तो सांस नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, फिर आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैडम, ये सवाल ही मेरा गलत था, मतलब सांस नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, बट जब एयर बैक्टीरिया है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हम उन्हें बताते हैं कि जब हम ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना चाहिए, और खुले में हमें खांसना नहीं चाहिए, खुले में छींकना नहीं चाहिए, ऐसा करने से ही ये बीमारी हवा के जरिए एक से दूसरे को फैल रही है, इसीलिए हम इसे एयर बैक्टीरिया कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सांस लेना छोड़ दें, बस हमें प्रिकॉशन लेना है। While interacting with the community, Namrata ensures that she gives a detailed picture about TB. She knows that stigma is one of the biggest hindrance for a recovering patient, particularly when it comes from one's own family. पेशेंट के साथ में भेदभाव नहीं करना है, हर पेशेंट का साथ देना है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसका दवाइयां लेने में उसका साथ देना है, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सके और इस बीमारी से बाहर निकल सके। मेरे पास एक पेशेंट थे जिनके 4 बच्चे थे और उनके हस्बैंड थे। जब हम लोगों का ऐसा कार्ड आया, हम उसके घर पे गए, उसने बोला कि मुझे टीबी हुआ है ना, तो मेरे हस्बैंड बच्चे लोगों को मुझसे दूर करते हैं, छोटा सा बच्चा है मेरा, दूध पीता है, उसको भी दूध पीने नहीं दे रहे हैं, उसे दूर कर रहे हैं। तो मैंने सारी बातें सुनी, फिर मैंने उनके हस्बैंड को समझाया, देखिए अगर ये थोड़े दिन मास्क लगा के रखेंगे ना तो ये बीमारी किसी को भी नहीं फैलने वाली, हमें बीमारी को हराना है, जो बीमार है उसको नहीं हराना है, प्यार की ज़रूरत है उसे, अगर आप उसे सहानुभूति दोगे, थोड़ा सा प्यार दोगे, देखिए वो कितनी जल्दी वो अच्छी हो जाएगी। फिर दोबारा जब हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉलोअप लेना था, हम गए उसके घर पे, तो उसका हस्बैंड ने बोला, मैडम आपने समझाया, अभी मैं भी इसके साथ ही रहता हूँ, अभी मैं इसके साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, अच्छा हो कि आपने हमें समझाया। और उसकी वाइफ जो जिसको टीबी हुआ था वो भी बहुत खुश हुई, मुझे थैंक यू बोली, बोल रही कुछ भी रहेगा तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ क्या, मैंने बोला मैं तो आपके लिए ही हूँ। Namrata's empathy stems from her own experience as a TB patient. Her recovery wasn't easy, but with the support from her family, it became possible. जो गुस्सा की रहती थी ना, वो सब भूल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था, इतना तो मेरी मम्मी भी नहीं करती थी। मम्मी मेरी थाली में दे देती, क्या मम्मी मुझको ऐसे खिलाती थी, वैसा लगता था, क्योंकि वो बनाती भी थी, बाजू में बिठाती भी थी और मुझे निकाल के देती भी थी कि ले तू खा ताकि तू ठीक हो जाएगी, सब नहीं खाएगी तो नहीं ठीक होगी, ये चीज़ खा तू, तुझे ठीक होना है ना अपने बच्चों के लिए तो तुझे खाना पड़ेगा, खा के ठीक होके काम पे जा और काम कर। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, ऐसा लगता था कि मतलब शायद ये उनका ऐसा स्वभाव है केयर करने का, पर इतना मतलब ध्यान देते हैं तो कोई अपना ही इतना कर सकता है, उतना मम्मी मेरी करती थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट दैट शी रिकवर्ड एंड बिकेम अ पीयर एजुकेटर। In 2019, she started conducting support group meetings for other TB patients, educating them about nutrition and side effects based on her own experience. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, she remained at the forefront, venturing into communities to offer assistance. Her unwavering dedication is fueled by her genuine desire to aid those in distress. बहुत बहुत बेटर फील होता है कि हमने जो इस तकलीफ में से हमने किसी को बाहर निकाला, बहुत वो अंदर से जो एक्सप्रेशन आता है हम फील भी नहीं कर सकते, और मैं बता एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ आपको कि मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगता है कि मैं सोशल वर्किंग कर रही हूँ, मैं किसी की मदद कर रही हूँ, जो पेशेंट है उनको जो तकलीफ है, मैं किसी को तकलीफ से बाहर निकालने का काम कर रही हूँ, वो एक अलग ही पीस मिलता है, ऐसा हम किसी की मदद करते हैं, और वो जो खुशी मिलती है ना, वो कितना भी कमा के भी खुशी नहीं मिलती उतनी, इतनी खुशी यहाँ पे मिलती है मुझे। Community health workers like Namrata
are true examples of people who are willing to give back to the community and inspire TB patients to lead a healthy life.